दोस्तों, हम अगर एक बार अपने जीवन में गलत राह पर चल निकले तो फिर सही राह पर आना बहुत मुश्किल होता है। कई बार सही राह पर आने के चक्कर में आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो आप लोग अपने कैरियर को चूज करने के लिए क्या करते हैं? जब लोग आप अपना घर बनाते हैं तो किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि बहुत बढ़िया नक्शा बना दीजिए। नक्शा बनाने का तो उसे वेरीफाई करते हैं, फिर आप अपना घर बनाना चालू करते हैं। जब आपको कोई बीमारी होती है तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद फिर आप दवाइयां लेना शुरू करते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया टेलर के पास जाकर अपने कपड़े परचेज करवाते हैं। लेकिन जब बात आपके कैरियर की आती है, उस समय आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने एक बार अपना गलत करियर चूज कर लिया तो शायद आपको दोबारा मौका ना मिले। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या करें कि हम अपने कैरियर को सही दिशा में लेकर जाएं? दोस्तों, संजीवनी कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एकेडमी एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जहां पर आप लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं और अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट भी इंजॉय कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में बड़े बड़े टीवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स भी डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया। ऐसे में अगर उनके पास कोई सही गाइडेंस होती, सही काउंसलिंग होती, तो वो शायद ऐसा नहीं करते और आज हमारे बीच होते। आपने देखा होगा कि कई बार लोग एक बार या दो बार फेल हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। कई बार लोग ये चूज करने में कतराते हैं उन्हें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि वो अपने एबिलिटीज को जानते नहीं है। अगर उन्हें सही एबिलिटी पता चल जाए तो वो शायद बहुत अच्छा करियर चूज कर सकते हैं और वहां पर सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, संजीवनी कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है जहां पर दोस्तों ये स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और आप सभी लोगों को गाइडेंस करती है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, किस तरीके से जब परेशानियां आती हैं तो उनको दूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब अपने शहर में भी संजीवनी कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ऑफिस खोल सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कुमार जो कि संजीवनी कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऑनर हैं, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां पर कि आप इनकी फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहां पर इनके पास इनकी वेबसाइट के थ्रू इतने कॉल्स आते हैं कि उन सबको अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां पर कि आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे और अपने शहर में इनका ऑफिस डालेंगे और जिस भी शहर से कॉल्स आएंगे वो सारे क्लाइंट्स ये आपको रेफर कर देंगे। अब दोस्तों, जब आप किसी फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता होगा कि इस फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करने में लाख रुपए लग जाएंगे, 5 लाख लग जाएंगे, 10 लाख लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर डॉक्टर कुमार आपको ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी अभी पहली कुछ फ्रेंचाइजी के लिए केवल और केवल 25,000 रुपए में दे रहे हैं। केवल 25,000 रुपए की फ्रेंचाइजी फीस आपको देनी है और उसके बाद आप या तो अपना ऑफिस लेकर इस फ्रेंचाइजी को शुरू कर सकते हैं या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं तो आप अपने घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जिनकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है, जो काउंसलिंग में अच्छे हैं, जो लर्निंग एबिलिटी रखते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। केवल और केवल आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट केवल इतनी है और आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप आज ही कॉल करें और कॉल कर आप संजीवनी की फ्रेंचाइजी लें। दोस्तों, जैसे कि नाम में संजीवनी है तो ये संजीवनी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, जो लोग अपने कैरियर में अटके पड़े हैं, अपनी लाइफ में अटके हुए हैं, जो दोस्तों अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं या फिर जिनकी अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, हर चीज के लिए आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग संजीवनी प्रोवाइड करवाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहां पर खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल 25,000 में फ्रेंचाइजी मिल रही है। ये दोस्तों आपको एक साल के लिए है, अगर आपने अच्छा बिजनेस किया तो बिना पैसे के भी आपके फ्यूचर में रिन्यू हो जाएगी। आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आती है, जितनी भी आप काउंसलिंग करते हैं पर काउंसलिंग आपको 50-60% तक का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहता है। अगर गाइडेंस और काउंसलिंग डॉक्टर कुमार करेंगे वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, अगर आप खुद से करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। यहां पर आपको कस्टमर कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपकी अपनी मार्केटिंग के थ्रू भी कस्टमर्स आते हैं, तो आपको कस्टमर की भी चिंता नहीं है। अगर आपने डेली के दो तीन भी काउंसलिंग कर ली तब भी आप महीने के 25,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। यहां पर खर्चा आपका बहुत कम है क्योंकि अगर आप घर से करेंगे तो कोई भी खर्चा है ही नहीं। अगर आप कोई ऑफिस लेकर करेंगे तब भी आप एक छोटा सा 5-6 हज़ार का ऑफिस ले लीजिए, आपको कोई एम्प्लॉई हायर नहीं करना है, केवल आपको टेबल चेयर्स एंड थोड़ी बहुत चीजें आपको अरेंज करनी होगी। 50-60 हज़ार में सारी चीजें हो जाएंगी आसानी से, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एग्जिस्टिंग आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तब भी आप उसके साथ जुड़कर भी ये काम कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हर हाल में बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है।
केवल आपको ध्यान देना है, कस्टमर को सुनना है, कस्टमर से बात करनी है, और अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर कुमार से बात करनी है। तो दोस्तों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी आज की, एजुकेशन रिलेटेड भी कह सकते हैं आप, इसे सर्विस रिलेटेड भी कह सकते हैं, खासकर एक काउंसलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिया में ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग हर बिजनेस को करने से पहले किसी से काउंसलिंग करना पसंद करते हैं, तो आप भी एक अच्छे काउंसलर बनकर लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, अलग अलग बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।